अस्सलाम वालेकुम नाजरी, आज हम पेटे कद्दू का हलवा बना रहे हैं। हमने ये एक पेटा कद्दू लिया है, लेकिन वो दरमियानी साइज का लिया है, क्योंकि पेटे का कद्दू जो होता है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन हमने ये दरमियानी साइज का लिया है। और ये थोड़ा सा पीका भी होता है, उसके लिए हमने ये 2 कप चीनी ली है, शुगर ली है, उनके लिए ये 1 कप घी लिया है। ऑयल भी ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं, हमने ऑयल लिए, आप घी भी ले सकते हैं। हलवा जितना घी में बनाएंगे तो उसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। थोड़ा सा सब्ज इलायची लिए, इसको कूट के फिर इसका जो अंदर से बीज होता है वो डालेंगे, ऊपर से छिलका नहीं डालेंगे, क्योंकि ये इसमें हलवे में अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा ये बादाम लिए, इसमें जितना भी ये ड्राई फ्रूट है अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, पिस्ता ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं, जो भी आपके पास है, किशमिश है, वो आप इसमें डाल सकते हैं। आपको मैं तरीका आप इसका बता देती हूँ। अब इस पतीले के अंदर इसको हम डाल रहे हैं। सब्जी इलायची मैंने कूटा है, ये इसका दाने, ये भी डाल लेती हूँ इसके अंदर। ये 1 गिलास पानी डालना है कि नीचे से ये जल ना जाए, और बाकी ये खुद ही पानी छोड़ता है। अगर ये कम है तो थोड़ा सा और भी फिर डाल दें, लेकिन ये खुद ही पानी छोड़ देता है। फिर बाद में जब ये गल जाता है, वो पानी सूख जाता है, बाद में हम चीनी डालेंगे, उसको भी थोड़ा सा छोड़ देंगे ताकि ये पानी ख़त्म हो जाए, सूख जाए, उसके बाद फिर हम घी डालेंगे। अभी हम इसको चूल्हे के ऊपर रखेंगे पकाने के लिए। ये 1 घंटे में तकरीबन बन जाते हैं। आगे नाज़रीन ये देख सकते हैं कितना देर सारा पानी इसने छोड़ दिया, ये खुद भी पानी छोड़ देता है, और जो 2 गिलास पानी डाला था उनके साथ नरम हो गया। ये बिल्कुल मज़ेदार सा है, देखो ये देखो नरम हो गया। इसके अंदर अभी भी पानी है, लेकिन इसके अंदर ये जो 2 कप शुगर है, चीनी, ये अभी डाल लेते हैं, क्योंकि शुगर भी पानी छोड़ते हैं तो ये इनके साथ ये मीठा हो जाएंगे। ये चीनी का पानी भी खुशक हो जाएंगे, ये जो पानी इसमें डाला था वो भी खुश हो जाएंगे। अभी इसके ऊपर थोड़ी देर हम फिर ढक्कन रखेंगे। नजरें ये देखे कितना देर सारा पानी इसने छोड़ दिया, ये पूरा पानी को खुशक करना है, उसके बाद फिर इसके अंदर घी डालना है। अभी तक हमने इसके अंदर घी नहीं डाला है, जो चीनी डाली है उसका पानी है, ये खुशक हो जाए। बाकी ये बिल्कुल गल गया, ये देखो पूरा नरम हो गया, लेकिन इसका पानी सुखाना है। अगर इसके अंदर पानी छोड़ दोगे तो इसका जायका नहीं आता है, टेस्ट नहीं आता है। इसका पानी बिल्कुल खुशक करना है, उसके बाद फिर घी डालना है, इसको थोड़ी देर भूनना है कि उसके बाद फिर घी डालेंगे। नजरीन इसके अंदर घी नहीं डाला है, पानी इसका बिल्कुल ये देखो खुश्क हो गया, लेकिन फिर भी इसको ये भूनना है थोड़ी देर। इसको इस तरह ये 10 मिनट भूनना होता है, इसलिए ये पानी खुश्क हो जाए। 10 मिनट के बाद अब ये घी शामिल कर रहे हैं। इस घी के अंदर इसको कम से कम 15 मिनट उसको भूनो 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 भूनो, ज़्यादा भूनो, इसलिए कि ये पानी मानी खुश्क हो जाए। बहुत मज़ेदार सा इसका जायका आ जाता है। अगर इसका मज़ीद जायका अच्छा करना चाहते हो तो ये इसके अंदर 1 चम्मच बिल्कुल ये असली घी है मक्खन वाला, वही मैं डाल रही हूँ। इसमें जायका बहुत अच्छा सा आ जाएंगे, हलवे के अंदर असली घी का जायका बहुत अच्छा लगता है, इसमें खुशबू भी आती है। गार्निश के लिए हमने छोड़ दिया बादाम, और बाकी मैंने इसको मोटा मोटा सा पीसा है, ये भी इसके अंदर थोड़ा सा डाल दिया। भूनने के टाइम इसके साथ ये भून जाएगा, गार्निश के लिए मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया। नजरिया हमारा डिश तैयार हो गया, हमने 15 मिनट उसको भूना, हलवा तैयार हो गया। ये अभी हम डिश को आउट करते हैं। नजरिया हमारा पेटी कद्दू का हलवा तैयार हो गया। इसमें अगर आपको घी कम करना हो तो कर सकते हो, अगर चीनी कम करना हो तो कर सकते हो, अगर ज़्यादा करना हो तो वो भी कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार सा जायका होता है इनका, बहुत आसान सा तरीका है, आप भी कोशिश करें इस तरह बनाएं। आजकल सर्दियों का मौसम है, मीठा चीज़ थोड़ा अच्छे लगते हैं, हलवे वगैरह, तो आप लोग भी कोशिश करें बनाएं। और अगर मेरे रेसिपीज़ आपको पसंद आया हो तो ज़रूरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें।